हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज का वीडियो हम डेडिकेटेड है गामी ट्रेलर के लिए। हालांकि इसका बैकड्रॉप मुझे कुछ ज्यादा कुछ पता नहीं है और ये रॉय होने वाला है रिएक्शन। हालांकि थोड़ा सा मैंने इसका रिसर्च किया था, तो बेसिकली ये जो डायरेक्टर है मूवी के, ये एक्चुअल में एक यूट्यूबर है जो 5 साल पहले CGI वगैरह के थ्रू जो अपनी एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे, बट उनको फंडिंग प्रॉपर नहीं हुई, तो वो काफी उन्होंने फंडिंग का इंतजाम किया और फिर अल्टीमेटली फंडिंग हुई और फिर यूवी क्रिएशंस ने उनको सपोर्ट किया, तब फाइनली 5 साल बाद ये मूवी बन के आ रही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये इन्फो कितनी सही है कि नहीं, क्योंकि मैंने भी इधर उधर से रिसर्च की थोड़ी थोड़ी इसके बारे में। हालांकि ये जो ट्रेलर है ये हिंदी में है कि नहीं ये अभी पता नहीं है, हो सकता है तेलुगु में हो, बट देन अगेन हम सीक्वेंस वगैरह देख के तो काफी कुछ समझेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं इस ट्रेलर की तरफ। अरे लायन कार्तिक कल्ट क्रिएशंस नहीं ना परो। ओके, हिंदी इंग्लिश में है सबटाइटल्स इसके अभी तो। ना की समस्या पढ़ने चुन्दो इंतज़ार प्रयत्न चुना कुर्ता। ये क्या हॉरर है क्या? మేలు కోసం నువ్వు ఈ ఆశ్రమం వదిలిపెట్టి పోవాలి. తనకున్న సమస్యతో అసలు ఎక్కడికి వెళ్తాడు, ఎలా బతుకుతాడు? అరే లైట్ భీ దిఖ్ రహీ హై, పురానే జమానే కా భీ దిఖ్, మ్యూటెంట్స్ వగైరా పే క్యా కుచ్. हर शॉट में काफी डिटेल है इसमें। दुर्गा कूतर हो गया था। హిమాలయ శ్రేణిలో ఉండే ద్రోణగిరి అనే పర్వతం మీద ప్రతి 36 సంవత్సరాలకు ఒక్కసారి వచ్చే వైద్రతి దినాడు స్వయం ప్రకాశితులైన మాలిపత్రాలు వికసిస్తాయి. అవి మనిషి స్పర్శతో నీకున్న సమస్యను కూడా తీర్చగలవు. ఒకవేళ ఈ పక్షం దాటితే ఇంకో 36 సంవత్సరాల వరకు ఆగాలి. నువ్వు త్వరగా హిమాలయాలకు బయలుదేరాలి. ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా త్రివేణి చేరుకునే రూట్ నాకు తెలుసు. ఇక్కడ బతకలేను, నా వల్ల కాదు. నీ వల్ల నేను దొరికిపోవచ్చు. ఊరంతా చల్లగా ఉండాలంటే దేవదాసిని ఎలా తిరిగి తీసుకురావాలో చూడు. నన్ను ఇంకెప్పుడు వదిలేసి వెళ్ళకమ్మా. ఐస్ హస్ బికమ్ డేంజరస్లీ థిన్ అప్ దేర్. आपकी जान को खतरा हो सकता है. काफी डिटेल में शॉट्स इसके पूरे के CGI वगैरह काफी यूज किया गया है. डिटेलिंग अलग से दिख रही है हर सीन में. समय आ गया है पापियों को ठीक करने का. ये सब्जेक्ट नीता वाला ला का दो. ये विषय ऊर्लो తెలియక ముందే ఆ ఎమ్మి రహస్యం కాలి పూర్దైపోవాలి. వాళ్ళ గాయాలకు నువ్వు బాధను మోస్తున్నావు. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎ గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ డిస్కవరీ. లైఫ్ లాంగ్ ఇంకో మనిషి ముట్టుకోకుండా ఇలానే ఉండగలవా? శాయద్ తెలుగు మే లిఖా హోగా గామీ. डिटेलिंग कितनी है यार ये लायन में. मार्च 8 को कुछ है क्या दोस्तों? तो दोस्तों मार्च 8 को तो काफ़ी सारी मूवीज आ रही हैं. ये गामी का क्योंकि इतना बैकड्रॉप हमें पता नहीं है, बट जो भी हमें देख के ट्रेलर समझ में आ रहा है वो ये अच्छी लग रही काफ़ी मूवी. और थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं मिल पाई कि एक्चुअली मूवी बेस्ड क्या है. मूवी का थोड़ा सा प्लॉट समझ में आना चाहिए, वो नहीं आया. अच्छी बात है, वो थोड़ा सा सस्पेंस बना रहना चाहिए, बट CGI वगैरह बहुत अच्छे यूज़ किए तो वो दिख रहा है.
काफी मेहनत की है तो ये दिख रहा है। अब इसका देखते हैं प्रॉपर ट्रेलर आता है अगर हिंदी में तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। तो दैट बीइंग सेड आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और अगर आपके पास भी कुछ इसके रिगार्डिंग अपडेट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड कीप सब्सक्राइबिंग।